अगर आपके मैंगो के पौधे का ग्रोथ रुक चुका है या फिर आपके पौधे का जो रूट्स है वो बाउंड हो चुका है या फिर आपके पौधे का जो पॉट है वो ख़राब हो चुका है तो टाइम है आपके पौधे को रिपॉटिंग करके नए पॉट में ग्रो करने का। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप मैंगो के पौधे को किस तरीके से रिपॉटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूंगा मैंगो के पौधे के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉटिंग सॉइल, जिसमें अगर आप आपके पौधे को ग्रो करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। पौधे को रिपॉटिंग करने से पहले मैं पौधे में थोड़ा सा प्रूनिंग कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पौधे का शेप थोड़ा बहुत ख़राब हो चुका है और मेरे पौधे में बहुत सारे ब्रांच बहुत ही लंबे लंबे हो चुके हैं। इसीलिए सबसे पहले मैं कुछ इस तरीके से अपने पौधे में प्रूनिंग कर दूंगा। पौधे का जो नॉट एरिया होता है उसके ठीक ऊपर हम प्रूनिंग कर देंगे। इससे पौधे के नॉट एरिया से एक की जगह पर 2 से 3 ब्रांचेस निकलेंगे और अपना पौधा बुशी बनेगा। प्रूनिंग करने से पौधे में बहुत ही ज़्यादा ब्रांचेस आते हैं और मैंगो के पौधे में जितने ज़्यादा ब्रांचेस होंगे आपको उतने ही ज़्यादा मैंगो देखने को मिलेंगे। इसीलिए आप टाइम टू टाइम अपने पौधे में प्रूनिंग करते रहिए। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपके पास टाइम हो तो आप एक ही टाइम पे अपने पौधे का प्रूनिंग और रिपॉटिंग ना करें। सबसे पहले तो आप अपने पौधे का रिपॉटिंग कर लीजिए, उसके 1 महीने के बाद आपके पौधे का प्रूनिंग कीजिए। इससे आपको और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपके पौधे में ढेर सारे नए नए ब्रांचेस आएंगे। यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि मुझे कॉलेज जाना था, इसीलिए मैंने एक ही दिन में अपने पौधे का रिपॉटिंग और प्रूनिंग कर दिया था। इसीलिए मेरे पौधे से उतने ज़्यादा ब्रांचेस नहीं आए। आप इस बात का ध्यान रखिए और मेरी गलती को ना दोहराइए। मेरे पौधे में प्रूनिंग का काम अब लगभग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं अब मैंने अपने पौधे को थोड़ा सा शेप दे दिया है। अब मैं अपने पौधे का रिपॉटिंग कर लेता हूँ। मैंने अपने पौधे को एक होममेड ग्रो बैग में करीब 1 साल पहले ग्रो किया था, जो कि अभी पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। इसीलिए मैं इस ग्रो बैग को पौधे से अलग कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मेरे पौधे का बिल्कुल भी रूट बाउंड नहीं हुआ। अगर ये ग्रो बैग ख़राब नहीं होता तो मैं अभी अपने पौधे का रिपॉटिंग नहीं करता। जब पौधे का रूट बाउंड हो जाता तब मैं अपने पौधे का रिपॉटिंग कर देता। यहाँ पर मैं पौधे का जो रूट बॉल है उसके नीचे से थोड़ा सा मिट्टी हटा देता हूँ, क्योंकि मैं जिस पॉट में अपने पौधे को ग्रो करूँगा उसका हाइट ज़्यादा नहीं है, वो एक गमला है। इसीलिए मैं पौधे के नीचे से थोड़ा सा मिट्टी हटा देता हूँ। अगर आपके पौधे को बड़े पॉट में ग्रो करें तो आप ये काम ना करें और रूट बॉल को बिल्कुल भी ना छेड़े। बिल्कुल उसी तरीके से ही अपने पौधे का रिपॉटिंग कर दीजिए, इससे पौधे में बिल्कुल भी ट्रेस नहीं आएगा। यहाँ पर मेरे पास तो दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैं पौधे के नीचे से थोड़ा सा रूट को काट दे रहा हूँ। इसके अलावा पौधे के ऊपर से भी और साइड से भी मैं थोड़ा थोड़ा मिट्टी हटा दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पौधे के रूट बॉल से मिट्टी हटाने से या फिर थोड़ा बहुत रूट काटने से पौधे का नुकसान हो जाएगा। बस इतना ही फर्क है, जब हम पौधे का रूट्स को या फिर रूट बॉल को थोड़ा बहुत तोड़ते हैं या फिर काटते हैं तो पौधे को नए पॉट में शिफ्ट होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और पौधे का ग्रोथ थोड़ा सा देर से ही शुरू होता है। इसीलिए अगर आपके पौधे को बड़े ही पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो आप रूट बॉल को ना तोड़ें, और अगर आप बस थोड़ा सा ही पॉट का साइज बढ़ा रहे हैं तो आप रूट बॉल को तोड़ दीजिए। पौधे को ग्रो करने के लिए मैंने ये गमला ले लिया है। इसके नीचे काफ़ी सारे ड्रेनेज होल्स हैं। इन होल्स के ऊपर सबसे पहले हम टूटे पॉट के टुकड़े उल्टा करके रख देंगे।
इसके बाद हम इसके ऊपर छोटे छोटे पत्थरों का एक लेयर दे देंगे। और इसके ऊपर सैंड का एक लेयर कर देंगे। ये हमारा ड्रेनेज का काम करेगा और पानी जमने की वजह से कभी भी अपने पौधे का नुकसान नहीं होगा। अब मैं अपने पॉट में पॉटिंग मिक्सचर भर लेता हूँ और अपने पौधे का रिपॉटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने जो पॉटिंग में इस्तेमाल किया है उसमें 60% गार्डन सॉइल और उसके साथ 40% काउडंग कंपोस्ट है। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, आपका जो काउडंग कंपोस्ट होगा वो कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए, नहीं तो आपके पौधे के रूट्स सड़ जाएंगे। काउडंग कंपोस्ट के बदले आप भार्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस पॉटिंग मिक्स में मैंगो का पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करता है। मैंने पहले भी अपने पौधे को इसी पॉटिंग मिक्स में ग्रो किया था और रिजल्ट तो आपने थोड़ी देर पहले देख ही लिया। अब मैं अपने पौधे का रिपॉटिंग का काम कंप्लीट कर लेता हूँ। पौधे का रिपॉटिंग अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम पौधे में भरपूर पानी देंगे और पूरे मिट्टी को गीला कर देंगे। रिपॉटिंग के बाद ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम फंगीसाइड के साथ थोड़ा सा पानी मिला के एक पेस्ट जैसा तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आपके पास जो भी फंगीसाइड अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इस पेस्ट को हमने पौधे में जहाँ जहाँ पर प्रूनिंग किया था उसके ठीक ऊपर कुछ इस तरीके से लगा देंगे। इससे पौधे के इस पार्ट से फंगल डिजीज शुरू होने का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके पास फंगीसाइड पाउडर नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर बात करें पौधे में रिपॉटिंग करने का और प्रूनिंग करने का सबसे अच्छा समय का, तो आप बरसात का समय या फिर पौधे से फ्रूट्स हार्वेस्ट करने के बाद ये काम कर सकते हैं। तो वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।